अब हमें पता है कि एमएस 3 क्लास के अंदर
तो जो बुलाने के लिए मुझे स्ट्रीम क्लास के अंदर जाएगा वहां से मुझको बुला लेगा। सो इससे क्या हुआ, टाइम सेविंग हुई बेटा। क्या हुआ, टाइम सेविंग हुई कि हमारा वक्त बच गया। पहले हमें सारे बच्चों से पूछना पड़ना था, ढूंढना पड़ना था, लेकिन यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ा। हमें पता है कि फलां क्लास के अंदर फलां बच्चा बैठा हुआ। ये घर के अंदर जब हम लोग चीजों को अरेंज करके रख देते हैं, उनको एक सीक्वेंस के अंदर तरतीब में रख देते हैं, तो हमें चीजों को सर्च करने में मुश्किल नहीं आती। मिसाल के तौर पर घर पर बुक सारी पढ़ी हो और आपको उसमें से मैथ की बुक सर्च करनी हो, आपको टाइम लगेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने बुक्स को अलग अलग कैंपस के अंदर डिवाइड कर दिया होगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, तो अगर आपको मैथ की बुक चाहिए होगी तो आप बाकी कैंपस को ओपन नहीं करेंगे, आप जस्ट मैथ के कैंपस को ओपन करेंगे और वहां से अपनी बुक ले लेंगे। ओके बेटा, सो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्लासिफिकेशन पहली चीज आती है, ये हमें क्या करती है, टाइम सेविंग करती है, हमारे लिए आसानी पैदा करती है। सो इसके अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है बेटा क्लास इंटरवल। हमें इंटरवल बताया जाता है कि इंटरवल यानी वक्फा, हम लोगों ने कितना रखना है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस डिफरेंट होता है, इंटरवल डिफरेंट होता है, सम टाइम क्वेश्चन से बताया होता है, मिनिमम 2 का होता है और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं होती। इट्स डिपेंड ऑन अमाउंट डेटा, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा कितना है। अगर डेटा छोटा होगा ऑब्वियसली इंटरवल भी छोटा होगा, और अगर डेटा बड़ा होगा तो इंटरवल भी बड़ा होगा। ओके बेटा, तो क्लास इंटरवल सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि हम लोगों ने क्लास इंटरवल किस तरीके से लेना है। इंटरवल लेना है और उसके हम लोगों ने क्या करना है, क्लासेस बनाना है, रेंज एक आप लोग कह सकते हैं कि वो हम लोगों ने बनाना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है डेलीवर, जो हमारे पास डेटा होगा उसको हमने देखना है कि कौन सी क्लास में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, तो उसको हम लोग बेटा नाम देंगे टेलीमार्क। अब टेलीमार्क बेसिकली सिस्टम में सीधे सीधे निशान होंगे, जैसे भी इसके टाइम के साथ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें। 4 लाइंस के बाद जो फिफ्थ लाइन बनानी है वो अपने चारों को मिला दो। अच्छा, ये मिलाना भी क्यों, ये बेटा जहन में रखिएगा, कोई भी चीज मैथमेटिक्स में सीखें तो ये जहन में रखिए, अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये जो मैथ्स में पॉइंट क्यों है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अगर सिंपल है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कि जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। और अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो देन यू मस्ट बी आस्क योर टीचर्स व्हाई, क्यों है, उसके रीजंस क्या है, उससे बेटा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट गेन होगा। अब ये 4 वैल्यूज थी, मैंने फिफ्थ वाली वैल्यू आगे भी लगाई, चारों को कंबाइन किया, क्यों, अब ये देखिएगा ये लाइंस मेरे पास लगी हुई है, इन्हें मैं काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और अगर मैं यू काउंट करूं 5 और 4, 9। अब देख रहे हैं इसमें भी टाइम सेव नहीं, इसको गिनने में टाइम ज्यादा लगा और जबकि इसको गिनने में टाइम कम लगा। ओके बेटा, सो दिस इज क्लास 1। उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी। इन एनी क्लास द वैल्यूज हाउ मेनी कम्स इन एनी क्लास इंटरवल दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी क्लास इंटरवल के दरमियान जो वैल्यूज है वो कितनी है, क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो क्या कहलाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितनी है 9, तो फ्रीक्वेंसी होगी 9। अगर ये होगी 7 तो फ्रीक्वेंसी होगी 7। अगर ये होगी 6 तो फ्रीक्वेंसी होगी 6। ओके बेटा, सो ये हमारे पास जो है वो मैंने शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाया है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, अकॉर्डिंग टू योर बुक सिलेबस तक आपको समझ आ जाए। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन फर्स्ट पेज के ऊपर वो लिखता है, वो कहता है द नंबर ऑफ टाइम अ वैल्यू अकर इन एन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। मैंने आपको बताया किसी भी क्लास में कोई भी वैल्यू कितनी दफा आती है, हाउ मेनी टाइम्स, सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 8 जो चीजें बेटा मैंने आप लोगों को बताई, आज मैंने जैसे आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दिया है और ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है अगर आप लोग इस इंट्रोडक्शन को फॉलो कर लें तो, क्योंकि ये चीज बेसिक है, अगर आप लोग इसको समझेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप लोगों के लिए मुश्किल पेश है। तो आज बेटा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने आज सुना है कोशिश कीजिए कि इसको अपने वर्डिंग्स के अंदर लिखें ताकि आपको समझ आए जो जो पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। इंफॉर्मेशन का मीनिंग बताया गया है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का मीनिंग बताया गया है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्लास इंटरवल का बताया गया, टेलीमार्क का बताया गया, फ्रीक्वेंसी का बताया गया, ये जितनी चीज़ें बताई गई बेटा इन सारी चीज़ों को विद एग्जाम्पल्स अपने वर्डिंग के अंदर आप लोगों ने लिखना। ओके बेटा, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।